मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी गई। नवागत प्रदेश प्रभारी कुंवर जितेंद्र भंवर सिंह द्वारा प्रदेश की कार्यकारिणी भंग की गई है। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। सप्ताह भर पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि आगामी आदेश तक जिलाध्यक्ष पूर्व की तरह काम करते रहेंगे। एमपी में मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने कहा, विकसित भारत संपर्क यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करना है। क्षेत्र के लोगों से अधिक मेक मुलाकात होनी चाहिए। राजधानी भोपाल के 10 रूट पर दौड़ने वाली कुल 149 सिटी बसों पर मंगलवार को ब्रेक लग गया है। ड्यूटी टाइमिंग, सैलरी, पीएफ जैसी कई मांगों को लेकर ड्राइवर कंडक्टर ने बाग सेवनिया स्थित डिपो से बसें नहीं निकाली। उनके हड़ताल पर जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। बैरागढ़, चिचली, करौंद, अयोध्या नगर, भौरी, मंडीदीप, कोकता, लालघाटी, चिरायू हॉस्पिटल, मिसरोद एयरपोर्ट, गांधीनगर समेत कई जगहों पर यात्री बसों का इंतजार करते हुए लोग देखे गए। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से भागा चीता अग्नि राजस्थान में मिला है। वह सोमवार दिन भर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगल में घूमता रहा। शाम को बॉर्डर पर राजस्थान से सटे बारा जिले के केलबाड़ा इलाके में पहुंच गया। यहां वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज किया है। चीते की पिंजरे में बंद कर रात करीब 8:30 बजे कुनो लाया गया है। यहाँ मेडिकल चेकअप के बाद उसे कुनो के रिजर्व जोन में छोड़ा गया है। दिल्ली में हुए मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में इंदौर के युवा खिलाड़ी सिद्धार्थ उठवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया है और शहर सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 60 किलोग्राम वर्ग के खिलाड़ियों को हराकर इंदौर के सिद्धार्थ उठवाल ने कड़ी मेहनत से अपना शरीर बनाया और नोएडा, मुंबई, गंगापुर सिटी, राजस्थान सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों को हराकर रजत पदक हासिल किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।